अभी ट्रिप का पहला इवेंट होने वाला था, हम दो फ्लाइट मेंबर्स और उनकी टाइमिंग्स आपस में मिक्स कर बैठे और हमें लगा कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्लाइट से पूरे 2.5 घंटे पहले पहले लाहौर से कर दूँ कि पहली फ़्लाइट है पीआईए की, और मेरा ख्याल है पायलट भी लाहौर से पहली दफ़े उड़ान भर रहा होगा, तो हमने गूगल मैप भी लगा लिया ताकि पायलट रास्ता ना भूल जाए। Ladies and gentlemen, अब लाहौर से स्कर्दू वाया पतों की, गांवों की और कहां का चारा बांधवा है, बनाए मेहरबानी अपनी बेल्टें और सीट की बेल्टें सब कस लें, शुक्रिया। और ये स्कर्दू पे पहली फ्लाइट पहुंचने पे हमारे से बात किया जा रहा है। मेरे ख्याल से दोस्तों लाहौर से स्कर्दू आना बाय रोड बाई एनी चांस एक बहुत बड़ी हमाकत होगी, क्योंकि कहीं भी किसी भी किस्म की लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, और ना भी होते हुए जो स्कर्दू रोड बन रहा है उसकी वजह से सफ़र 3 दिनों तक का हो सकता है। सो आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स बाय पीआईए कि उन्होंने लाहौर से स्कर्दू की फ़्लाइट लॉन्च की। और स्कर्दू आते साथ हम अपना पहला पिट स्टॉप लेके जा रहे हैं हमारे अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? अच्छा अली भाई, हम लेके जा रहे हैं इस वक्त कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को? अपर कचूरा। अपर कचूरा, और हम भूख के मारे में कुछ खिलाएंगे हमें आप? बिल्कुल खिलाएंगे। बस जितनी मर्जी सख्ती दिखा ले जाए लेकिन ठंड का बर्दाश्त नहीं होता भाई जान। हम अपर पहन लें पहले। खाना शाना हो गया और वी आर गोइंग टूवर्ड्स द अपर कचूरा लेक, जो कि नीचे है बट अपर भी है और नीचे भी है, विद द मास्टर अब्दुल्ला मरवत। हेलो अब्दुल्ला भाई। हेलो। शंग्रीला लेक। ओ यार, ये अंडर वाटर पिक्चर्स बहुत क्रीजी आएंगी अगर इसकी हो। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा बड़ा शदीद दिल है कि मैं ना अपना निकाह शरीफ जो है वो यहीं करूं। थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा लेकिन वर्थ इट यार, क्या कमाल जगह है। दिस प्लेन राइट बिहाइंड मी इन फ्रंट ऑफ दिस लोअर कचूरा लेक, इसकी तो हिस्ट्री इस तरह से है कि ये स्कर्दू एयरपोर्ट से 1954 में, मैंने भी पीछे पढ़ी है, मेरे को याद कोई नहीं थी, 1954 से ये टेक ऑफ किया है और राइट आउट ऑफ 3 मिनट्स ये इंडस रिवर के बेड पे क्रैश कर गया। तो कुछ टाइम बाद एक ब्रिगेडियर साहब ने इसको 150 रुपये में, तब के 150 रुपये में ख़रीद लिया, और नाउ तब से लेके ये आज तक यहाँ पे कॉफ़ी प्लेस की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और अकॉर्डिंग टू द इधर जो हैं लोकल्स, 150 रुपीज़ तब के इज़ इक्वल टू मोर देन 30 to 35 lakhs आज कल के। तो यार जी सर, आज हमारी फ्लाइट है सर, बोर्डिंग का टाइम हो गया, कम ऑन इन। थैंक यू सर। ये दरवाज़ा बहुत ढीला है, ध्यान से निकल ही ना जाए। आज इनी बैठ जी, ये पायलट है हमारा खुद जहाज है। ओ तेरी बतिया ना होने। ओ माय गॉड, दिस इज द प्लेन फ्रॉम इनसाइड। कल के बाद हमें दो मज़ीद
हमारे क्यूट गेस्ट ने ज्वाइन किए, एक तो बहुत क्यूट है, दूसरा थोड़ा सा क्यूट है, बड़ा हो गया ना इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रुके एक हमारे कमर भाई, सलाम अलैकुम भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल। एक तो एक कमर भाई, ये तो बड़े हो गए ना, इनका मैं आपको छोटा वर्जन दिखाता हूँ, एक सेकंड रुके। ये देखें, सलाम अलैकुम यावर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये कमर के छोटे भाई हैं और ये भी एंथुजियास्टिक हैं ट्रैवल के और फोटोग्राफी के, लेकिन अभी जहाँ हम अपनी क्रूजिंग करने जा रहे हैं वो है ये जगह। تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، پس به من تا که نمانم به تماشای کسی، به تماشای کسی، شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما عاشق انگوش نمامم، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست، جانا به خدا من، 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 हमने रेस्ट हाउस बहुत जल्दी छोड़ दिया था आज, क्योंकि हमें था कि हम मंटोका जब पहुँचें तो वहाँ पे कोई टूरिस्ट ना हो। प्रेजेंटिंग यू मंटोका वाटरफॉल विदाउट एनी टूरिस्ट, क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और टूरिस्ट आना शुरू हो रहे हैं, बट वी हैव टू फ्लाई द DJI FPV एंड वी हैव टू डाइव फ्रॉम द चॉप एंड 3, 2, 1 डुश। वाटरफॉल तो फिलहाल बंद हो गई है, बट अभी हमने शॉट्स, क्रेजी शॉट्स लेने के बाद यहाँ बैठ के हमने ट्राउट मछली और बड़े फिट किस्म के पकौड़े खाए हैं। कठिन रास्ते के बाद हम पहुंचे इस वक्त ब्लाइंड लेक। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको एरियल व्यू भी दिखाएंगे इसका, बट पहले इसकी हिस्ट्री बताना जरूरी है कि ब्लाइंड लेक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि कमें क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है असल में इस वजह से कहा जाता है, इसका जो पानी का ओरिजिन है ये किसी को नहीं पता। ये कहते हैं लोग नीचे से आ रहा है पानी, लेकिन पता ही नहीं चला कि पानी कहाँ से आ रहा है। नहायत ही खूबसूरत, खामोश और सुकून जगह, और आई थिंक ये एक खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट भी है, लेकिन गर्मियों में क्योंकि इस वक्त जो हवा का प्रेशर है बहुत ठंडी हवा चल रही है, सख्त सूरज ग्रूब होने वाला है, ओहो तो बहुत स्लिपी है भाई।
मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया मेरा दिल। कपलू से पहले थोड़ा एक जगह है ये घुवाड़ी, और इस जगह की खासियत मैं आपको शायद कैमरे में बोल के ना बता सकूँ, ये कि इट हैज़ मल्टीपल ट्रीज और लाइन में क्या खूबसूरत दरख्त हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं ये दरख्त ही दरख्त हैं, इधर भी इस साइड पे भी। मैं दिखाता हूँ आपको, और सामने मेरे बाग है, ये देखें, इट हैज़ मल्टीपल ट्रीज इस साइड पे भी एंड दिस वे टू। पहाड़ों में खो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको। आई थिंक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ट्रिप। ख़त्म तो नहीं मैं करना चाह रहा, क्योंकि एक इतने खूबसूरत जगहों पे प्लास्मी मौसम हमें सोच कर दिया है, बट अपने आप से प्रॉमिस है मेरा कि आई विल कम अगेन इंशाल्लाह इन समर्स टू कैप्चर द मिल्की वे, इन ऑटम एंड इन विंटर्स टू, ताकि हम स्नोफॉल भी देख सकें, बिकॉज स्कर्दू इज़ एक्चुअली द हेवन ऑन अर्थ। और स्पेशल थैंक्स टू वीवो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस ट्रिप। लाइक्स का टारगेट मैं रखूँगा या नहीं रखूँगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकें विद द वीडियो इन कॉमेंट्स सारा कुछ। तो आई एम कीपिंग अ टारगेट ऑफ 6000 लाइक्स कर दो, पूरा छोटा सा टारगेट है। और आई होप यू लाइक द वीडियो, और स्पेशल थैंक्स टू द गाइज इन द डिस्क्रिप्शन जिन्होंने इस ट्रिप को सक्सेसफुल होने में मेरी मदद की। That's it. तमाम वीडियोस बच्चों के पहुंच से दूर रखें, वीडियो ज्यादा देखने तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, नोटिफिकेशन के बेल बटन का इस्तेमाल करें। बाजार से सेहत हुकूमत हार्ड बाय वासिफ।